आप देख रहे हैं इंडियन टाइम्स न्यूज, मैं सुनील कविराज। आपको मैं बता दूं, अभी मैं मोतिहारी के टाउन हॉल में हूं और यहां पे लेट्स इंस्पायर बिहार करके एक प्रोग्राम चला है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में वैभव सर आए हुए थे। और जो है अभी प्रोग्राम समाप्त हो चुका है, तो हम यहाँ के युवाओं से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस प्रोग्राम में शामिल हुए, उनको कैसा लगा और जो है उनको इसके बारे में जो है उनका क्या कहना है। तो आइए हम बात करते हैं। हेलो हेलो मैम, आपका नाम क्या है? आंचल त्रिपाठी। आज आप यहाँ पे आई टाउन हॉल में, प्रोग्राम हुआ, आपको कैसा लगा? सर बहुत अच्छा लगा। मतलब हमें ये प्रयत्न के बारे में पता, परिवर्तन कैसे क्या किया जाएगा ये सब के बारे में हमें पता चला और बहुत कुछ सीखने को भी मिला हमें। क्या आपको लगता है कि लेट्स इंस्पायर बिहार जब मोतिहारी से शुरुआत हुई है तो ये पूरे बिहार और भारत में जो है मार्गदर्शन का काम करेगी? बिल्कुल करेगी, अगर हम कोशिश करें, जो जो उन्होंने बताया है लक्षण, अगर हम इस चीज को कोशिश करें तो जरूर काम करेगी। क्या आपको लग रहा है कि हुआ है फिर भारत जो है विश्व गुरु बन पाएगा? अगर कोशिश करें तो, प्रयत्न करें तो जरूर हो जाएगा। कोशिश से सब चीज संभव है। बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद धन्यवाद। कुछ और यहाँ पे गर्ल्स हैं, वहाँ पे हम बात करेंगे। मैम आपका नाम क्या? प्रिया सिंह। ये बताइए, अभी आप यहाँ प्रोग्राम में शामिल हुए, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। सर की भाषण सुनकर जो है, उनकी स्पीच सुनकर आपको कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा। क्या सीखने को मिला? बहुत कुछ सीखने को मिला, लाइफ से रिलेटेड भी बातें बहुत सारी सीखने को मिली, जैसे कि कैसे चेंजिंग लाना है और अपने लाइफ में कुछ परिवर्तन करना है। बहुत तरह की चीज सीखने को मिले जो हम एक शब्द में यहाँ पे इतना एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। लेट्स इंस्पायर बिहार जो है यहाँ चंपारण की धरती से शुरुआत हुआ है, क्या यह पूरे विश्व पटल पे आ पाएगा कि नहीं? बिल्कुल आएगा सर, हम लोग आम पब्लिक और आप मीडिया लोग सब लोग मिलके ये आगे बढ़ा रहे हैं और हर लोग के पास पहुंचा रहे हैं। हम खुद एक न्यूज एंकर हैं IBN 7 बिहार न्यूज चैनल के, तो ये बात हर जगह पहुंचना चाहिए और हर कोई इंस्पायर होगा। चलिए थैंक यू आपका। मैम आपका नाम क्या? अफसाना। अभी आप यहाँ पे शामिल हुई हैं और आपने बच्चों को देखा, युवाओं को प्रेरित होते हुए देखा, आपको कैसा लगा? ये बहुत अच्छा लगा और इनफैक्ट मैं खुद भी इंस्पायर हुई हूँ सर के बातों से। मतलब काफ़ी कुछ यहाँ भी जानने को मिला, सुनने को मिला, मतलब अच्छा लगा। और ये जो लेट्स इंस्पायर बिहार है, इसके लिए सिर्फ मतलब उन लोगों को नहीं, आम नागरिकों को भी इसके लिए बहुत मतलब काम करना पड़ेगा, उन लोगों को भी मतलब अपना योगदान देना पड़ेगा इसमें। क्या आपको लगता है कि इस प्रोग्राम के बाद से बिहार में एजुकेशन सिस्टम का स्तर जो है वो आगे बढ़ पाएगा? बढ़ना तो चाहिए, हम एकदम श्योर तो नहीं कह सकते, लेकिन अगर एक कोशिश रही तो, वो कहते हैं ना कोशिश करने वाली की कभी हार नहीं होती, तो और कोशिश रही तो फिर ज़रूर होगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देख लिया यहाँ के युवा और बच्चों का जो है जोश भरा हुआ है, सब में एक अलग जोश है, सब धमाका करने वाला है। तो आप समझ जाइए बिहार का एजुकेशन सिस्टम डेवलप होने वाला है, बिहार का भविष्य जो है वो बदलने वाला है, और बिहार का भविष्य ही नहीं, भारत का भविष्य जो है आगे जाएगा और पूरे विश्व पटल पे एक बार फिर से भारत जो है विश्व गुरु बनकर दिखाएगा। आप देख रहे हैं इंडियन टाइम्स न्यूज, कैमरामैन भैया जी के साथ मैं सुनील कविराज। जय हिंद।